होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। इसके बाद राजनीतिक दल केवल डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से पाबंदी है। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होना है, वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। चुनाव में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए और शांतिपूर्ण मतदान के उद्देश्य से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश के बाहर से आए 33,000 होमगार्ड भी निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किए जाएंगे। बालाघाट जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 76 कंपनियां, भिंड में 24, छिंदवाड़ा और मुरैना में 19-19, सागर और भोपाल में 18-18 कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रदेश के 85% पुलिस बल और होमगार्ड के 90% बल चुनाव कार्य में तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बालाघाट, मंडला और भोपाल में एक एक हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। संचार व्यवस्था बेहतर करने के लिए 20 सैटेलाइट फोन और 28,000 वायरलेस सेट चुनाव में उपयोग किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।